महीनों के लिए स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाती है, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 600 रुपए मिलते हैं। ऐसा ट्वीट करके प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है, बीजेपी सरकार ने कभी मानदेय बढ़ाने की सुध नहीं ली, उन्हें जुमले नहीं जवाब चाहिए। ये बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके कही है। आपको बता दें, इससे पहले आज किसानों के भुगतान को लेकर उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लिया था, और अब ये आज उनका दूसरा ट्वीट है जब उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लिया, और इस बार मुद्दा उन्होंने आशा बहुओं का उठाया है। उन्होंने कहा है कि आशा बहुएं तमाम अहम जिम्मेदारी उठाती हैं, लेकिन उन्हें बेहद कम मानदेय दिया जाता है और सरकार ने कभी भी उनकी सुध नहीं ली। तो यूपी में अपने दौरे से पहले लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रही हैं प्रियंका गांधी। आज ही उन्होंने किसानों के भुगतान को लेकर, गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा था, और उसके बाद ये उनका दूसरा ट्वीट जब उन्होंने आशा बहुओं को लेकर ये ट्वीट किया है और कहा है कि वो अहम जिम्मेदारी उठाती हैं, लेकिन उन्हें बेहद कम मानदेय मिलता है और योगी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फरमान अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरमान, प्रियंका गांधी अब लगातार योगी सरकार पर हमलावर हो रही हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेकर योगी सरकार पर अलग अलग मुद्दों पर बड़ा हमला। बिल्कुल शैलेंद्र, इससे पहले अगर हम गन्ना किसानों के मुद्दे की बात करें तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार के ऊपर गन्ना किसानों के का भुगतान बकाया होने के मामले में निशाना साधा था, और उसके बाद अब एक और ट्वीट आया है। तो सोशल मीडिया के सहारे जिस तरह से कांग्रेस की स्टार प्रचारक और प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो लगातार योगी सरकार के ऊपर निशाना साध रही हैं, तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि चाहे उनकी बोध यात्रा हो या फिर अब ट्वीट वार हो, उत्तर प्रदेश पर वो फोकस कर रही है और उनके निशाने पर सीधे योगी सरकार है। जी फरमान, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार यहाँ पर हमला बोल रही हैं प्रियंका गांधी।